खबर रीवा से। रीवा में आज राजनीति का गिरता हुआ स्वरूप आया सामने। जिला पंचायत कार्यालय में आज गुटिये और दलगत राजनीति का घिनौना सांप देखने को मिला, जहां जिला पंचायत की उपाध्यक्ष विभा पटेल और कुछ सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर कई आरोप लगाए। वहीं जिला पंचायत सदस्य जयवीर सिंह और बाकेल सदस्य ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर साजिश करने का आरोप लगाया है। बता दें कि जिला पंचायत रीवा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा द्वारा एक ही क्षेत्र में बार बार करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, सदस्य जयवीर सिंह सेंगर सहित अन्य सदस्यों ने विरोध किया। वहीं जिले में हो रहे दारू के व्यापार पर भी सवाल खड़ा किया गया। वहीं एक क्षेत्र में बार बार करोड़ों खर्च में सवाल किया तो जिला पंचायत अध्यक्ष ने जवाब दिया कि मैं सदस्यों की सहमति से किया गया, अगर आप लोग की आपत्ति हो तो आप आपत्ति दर्ज करा दीजिए, बाकी उससे होने वाला कुछ नहीं है। जिसके बाद हंगामा और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और अध्यक्ष अभय मिश्रा बैठक छोड़कर चले गए। कुछ ही देर बाद जिला पंचायत में सैकड़ों गुंडे और असामाजिक तत्व एकत्रित हो गए। वहीं जब सभा से नीचे उतरे जिला पंचायत सदस्य जयवीर सिंह ने नीचे देखा कि इतने लोग खड़े हैं, वजह क्या है। जब पूरे मामले को उनको पता चला तो वो वकील सदस्यों बाकी सदस्यों को फोन करके बताया, जिससे कई सदस्य जान बचाकर इधर उधर से निकले। लेकिन उपाध्यक्ष विभा पटेल, सदस्य अविनाश शुक्ला, जयवीर सिंह सेंगर सहित कई अन्य सदस्य अंदर ही घिर गए, जिन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने किसी तरह उन्हें वाहनों में बैठाकर वहां से रवाना किया। जिसके बाद उपाध्यक्ष विभा पटेल सहित अधिकांश सदस्य कलेक्टर इलिया राजाटी और नवागत पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मिलकर सारे घटनाक्रम से अवगत कराया। इसके बाद उपाध्यक्ष विभा पटेल, सदस्य जयवीर सिंह सेंगर और सदस्य अविनाश शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया, जहां सभी ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर गुंडे बुलाकर हमला करवाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। सदस्य अविनाश शुक्ला ने तो अभय मिश्रा पर पूरे जिले में अवैध शराब की बिक्री करने का आरोप लगाया। वहीं जिला पंचायत सदस्य और देवतालाब विधानसभा के उम्मीदवार रहे जयवीर सिंह सेंगर ने सीधे सीधे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर उनकी हत्या करवाने का प्रयास करने और अभय मिश्रा को पूरा संरक्षण देने तथा शराब माफिया को मदद करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जान की रक्षा करने की गुहार लगाई। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की मांग भी मुख्यमंत्री के सर डाल कर दी। मैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का जो बुक है उसको 90% कंसेंट करके रखा हूँ, 90% अलग होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, हम 6 साल से लड़ रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसमें सक्सेस नहीं हुए। हम हमेशा चाहते थे कि जिला पंचायत बैठक होना है, उसके अध्यक्ष हमारी माननीय विभा पटेल जी जिला पंचायत के सदस्य हैं। ये दुर्भाग्य है कि रीवा का कि आज जिला पंचायत की समीक्षा बैठक जो 2 वर्षों से लगातार जिला पंचायत की बैठकें नहीं हो रही हैं, कोरोना का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, ट्रांसफार्मर का मुद्दा था और नशा का विरोध में मुद्दा, ये सब एजेंडे में आना चाहिए। लेकिन 2 साल में अभय मिश्रा जी किसी भी विषय पर मीटिंग नहीं बुलाते जो जनहित के मुद्दे होते हैं। आज समीक्षा बैठक में अचानक हम लोग पहुंचे थे, चूंकि भी अखबार के माध्यम से मालूम हुआ कि माननीय विधायक देवतलाव जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं सम्माननीय गिरीश गौतम जी, उनकी उपस्थिति में नई गढ़ी में एक बैठक हुई, जिस बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय अपने स्टेट वेयर हाउस, उनका खुद का वेयर हाउस, निजी वेयर हाउस जोनी गांव में रीवा जनपद में यहां पर तिगरा के पास श्री माननीय अभय कुमार मिश्रा जी का खुद का वेयर हाउस 10 एकड़ बताते हुए बना हुआ है। 2 करोड़ रुपए पहले जिला योजना समिति की बैठक में MD अम्बत से ले जाना चाहते थे, लेकिन वहां के सिमरिया के विधायक ने विरोध किया कि राशि नहीं देंगे हम निजी कार्य के लिए, तो पैसा नहीं ले जा पाए। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते पूरा उन्होंने पावर का उपयोग किया और माननीय
अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में नई गरी में ये प्रस्ताव बिना सदस्यों की सहमति के एजेंडा में न होने के बाद भी कार्रवाई में लिखवा करके 2 करोड़ रुपए ले जा रहे थे। हम लोगों ने आज इस विषय पर विरोध किया जिला पंचायत में कि 2 करोड़ रुपए जो आया है हमारे रीवा में पूरा गांव-गांव में लोग सर्प काट देते हैं तो खत्म हो रहे हैं। हनुमना से लेके बन्ना पाती से लेके गढ़ी सोहरबा तक, उत्तर से दक्षिण गोविंदगढ़ से लेके चाकघाट से आगे तक सुनौरी तक कहीं भी सर्प काटने के बाद इंजेक्शन उसका एंटीरेबेट नहीं है जिससे लोगों की मौत डेली हो रही है। हम चाहते थे कि 2 करोड़ रुपए को पूरे जिले के पीएससी में सीएससी में छोटे छोटे अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए ताकि हम लोगों की जान बचा सके अपने लोगों का जो मेन विषय था। इसी का हम लोगों ने विरोध किया 2 करोड़ रुपए का। हमने ये भी कहा कि आज उन्होंने कहा एजेंडा में नहीं है आपका विषय ये 2 करोड़ का, तो हमने कहा एजेंडा तो आपको हम लोगों से तय होना चाहिए था, एजेंडा आप पूछते नहीं हो, एजेंडा होना चाहिए कोरोना में। हमारे जिला पंचायत के सदस्य खुद गिरजा कोल जी सम्मानित सदस्य हरमोना ब्लॉक के थे, एक्सपायर हो गए कोरोना में, 1 रुपये नहीं मिला उनको। हजारों लोग यहाँ पर बहने मतलब लोगों की गोद हो गई सुनी हो गई, चिराग बुझ गए लोगों के, बहनों के सिंदूर मिट गए और आज 1 रुपये नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ जांच ही गांव में नहीं हुआ किसी कोरोना में, तो लोग खत्म भी हो गए कोरोना में, 1 रुपये मिल भी नहीं रहा है। तो हमने कहा विषय कोरोना का होना चाहिए, ट्रांसफार्मर 1000 जले हुए पूरे जिले में, रीवा जिले में। आज ऐसा क्या हुआ जिला पंचायत में कि आपको ऐसे हम लोग वहाँ मीटिंग अध्यक्ष जी मीटिंग छोड़ करके उनके पहले षड्यंत्र था कि विपक्ष की आवाज को दबाओ, तो जैसे मैं बाहर निकला वहाँ से वैसे 150 वहाँ पर गुंडे मवाली टाइप के लोग असामाजिक तत्व जिसमें 2 हमारे मनगवा थाना के हरदी के गाँव के जयप्रकाश गौतम और पिता राज रूप गौतम राज रूप की माननीय गिरीश गौतम जी मौसा है वो, और एक वहीं पर गांव का संजय द्विवेदी और पिता शेषमर द्विवेदी, ये दोनों लोग इशारा कर रहे थे कि जयवीर सिंह गई है, वो बताने के लिए थे, लोग हमारे तरफ गलत निगाह से देख रहे थे। हम स्थितियों को भांप गए, हम तत्काल वहां से रवाना हुए, जिला पंचायत सदस्य को बताया समीक्षा बैठक थी और समीक्षा बैठक में क्षेत्रों की बात होने लगी तो कुछ परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा आया था जो पिछले बार भी आया तो 4 करोड़ अध्यक्ष जी ने अपने ही क्षेत्र बसामन मामा में निकट के लिए दे दिए थे, तब भी हमने विरोध किया था तो उन्होंने यही कह के टाल दिया कि हमारे हमारे कुछ सदस्य हैं 17 सदस्य उनके द्वारा मैंने प्रस्ताव पारित करा लिया है, आप विरोध करिए तो आप बस का विरोध मैं लिखवा देता हूँ लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैंने विरोध किया था उस समय भी ये अध्यक्ष जी अगर मिश्रा जी ने बोला था पिछले बार बैठक में, फिर इस बार फिर बैठक हुई और इस बार 2 करोड़ रुपए आया, फिर उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए दे दिया, इसमें भी मैंने बोला कि अध्यक्ष जी यहाँ पर आज फिर मैं बोलूंगी यहाँ पर फिर गलत हो रहा है, और सीओ साहब आप भी इसमें गलत में आप साथ मत दीजिएगा, आप जो न्याय होगा बोलिएगा, सीओ साहब ने कहा बिल्कुल न्याय मैं बोलूंगा। आज वहाँ पर सभी सदस्यों को खतरा था क्योंकि आज जो बैठक थी तो मैंने जब शुरू में ही कह दिया तो अध्यक्ष जी कुछ देर में उठकर चले गए, शायद वो डर गए कि ये लोग इस पर बोलेंगे तो वो चले गए, और जब चले गए उसके बाद बैठक उन्होंने निरस्त करवा दिया फोन करके कि बैठक नहीं होगी क्योंकि अधिकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर बैठक निरस्त तो हो गया लेकिन जब अपन लोग नीचे उतरे तो वहां बैठे थे अपन लोग सीओ साहब के पास चैम्बर में, इतने में पता चला कि जयवीर सिंह जी बाहर निकले तो देखे कि बाहर बहुत भीड़ थी, 50-60 लड़के खड़े थे बाहर, 5-6 गाड़ियां आई थी, लड़के आए थे गुंडे टाइप के थे, तो जाके जयवीर सिंह जी ने बताया कि ये तो लगता है यहाँ पर किसी ने गुंडे भेजा, आप कौन भेज सकता है क्योंकि जो स्थिति वहाँ की थी, तो फिर हम लोग सीओ साहब को विश्वास नहीं, उन्होंने कहा कि चलिए मैं चलता हूँ देखने, जब बाहर सीओ साहब भी हम लोगों के साथ निकले तो देखे तो सही वहाँ बहुत सारे लड़के खड़े थे, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत हम लोग बोले कि आप महिला हैं और आप लोग चलिए मैं आप लोगों को गेट के बाहर निकलवाता हूँ, तो सीओ साहब खुद जा करके गेट के बाहर हमको गाड़ी में बैठवाए और हम अविनाश जी और सभी सदस्य बाहर निकले, और जो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह की वो स्थिति बनाए सारी महिलाएं डर के मारे कहीं इधर छुप गई कहीं उधर छुप गई, सब डर गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा क्योंकि वहाँ क्षेत्र की बात थी तो मैं पहले भी हमेशा विरोध की हूँ और आज भी कर रही हूँ कि मैं आई वहां से सीधे अपन लोग सभी सदस्य आए 7-8 सदस्य आए उसमें जयवीर सिंह जी भी थे सभी लोग थे, तो आए यहाँ मैं बोली कि कोई नहीं जा रही महिला मैं तो चलूंगी, और मैं आई यहाँ एसपी साहब से मिली, आज एसपी साहब नए आए हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग अपना ये शिकायत लिखवाइए यहाँ, और मैं सीओ साहब से बात करके और कलेक्टर साहब से भी अपन बात की तो कलेक्टर साहब भी ने यही कहा कि आप वहाँ शिकायत करिए, और एसपी साहब ने कहा मैं सीओ साहब से वहाँ का सीसीटीवी कैमरा से वहाँ की यथास्थिति निकलवाता हूँ और जो भी है आपको भरोसा दिलवाता हूँ कि जो भी ये मतलब किए हैं कि वहाँ गुंडे बुलवा कर मरवाने का जो भी
जिला पंचायत सदस्य अविनाश शुक्ला है, तराई अंचल से आते हैं और जवा जनपद है हमारा और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र जो जिन क्षेत्रों से हमने जीता वो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है और हम सभी लोगों ने अपनी बात रखी। इसके बाद में हमारे इंजीनियर जयवीर सिंह बाहर निकले वहाँ से तो पता चला कि आपके ड्राइवर से गुंडे बोल रहे थे वहाँ पे बदमाश कि आज तो तांडव होगा यहाँ पे। तो जयवीर सिंह जी को बताया इनके ड्राइवर ने कि आज यहाँ पे गुंडा ममाली आए हैं और तांडव करने की बात कर रहे हैं। जयवीर सिंह जी ने हमको फोन लगाया, विभा जी को बताया, फिर हम लोग सीओ के पास गए कि ये बताइए जनतंत्र और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमने यदि अपनी बात रखी अपने क्षेत्र के प्रगति और विकास के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष का ये क्या दायित्व तो बनता है कि हम लोगों को गुंडे से हमले कराए। यदि हमला कराना है तो हम लोगों को खुद ही बता दे कि यदि तुम लोग मांग करोगे तो हमला कराओ तो जहां हमला कराएंगे हम लोग आ जाएंगे, मगर इस टाइप से चुप्पे से हमला कराना और किसी को डराना धमकाना ये सब बहुत अनुचित और लोकतंत्र के खिलाफ बातें हैं। इसके बाद हम सीओ ने जिला पंचायत सीओ ने हम लोगों को गेट के बाहर तक पहुंचाया, गाड़ी जाम लगी थी तो गाड़ी को हटवा के हम लोगों को बाहर की पहुंचाया और इसके बाद सीओ को हमने बोला कि वहां के सीसीटीवी फुटेज संभाल के रखिएगा, जांच में जरूरत पड़ेगी तो वो काम आएगी क्योंकि हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और किसी भी तरह के गलत आरोप से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद हमने कलेक्टर साहब से भी बात की और हमारे जयवीर सिंह जी ने बात की, हमारी बहन विभा जी ने बात की तो कलेक्टर साहब ने बोला कि आप लोग एसपी साहब से मिल लीजिए और ये बहुत ही गलत है, यदि ऐसा हो रहा है तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग एसपी साहब से मिले और एसपी साहब से अपनी बात रखी और साथ में एसपी साहब आज नए ज्वाइनिंग किए हैं तो उनको हम लोगों ने रीवा की धरती में स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और साथ में उनको समस्या भी बताई कि 820 ग्राम पंचायत 827 और 820 लगभग ग्राम पंचायतें हैं रीवा जिले में, आप यदि गाय सड़क पे मर रही हैं, रोज गायों की समस्या को कोई देखने वाला नहीं है, गौ माता की दुर्दशा हो रही है, यदि दूध के लिए ढूंढना पड़े तो रात 8 बजे के बाद दूध कहीं नहीं मिल सकता है मगर दारू रात 12 बजे मिल जाएगी, तो ऐसा बोलने पर एसपी साहब ने बोला कि यदि गलत दारू का अवैध बिक्री हो रही है तो उस पर हमने प्रतिबंध लगाएंगे और हम लोग भी आशान्वित है कि एक हफ्ते के अंदर एसपी साहब कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे, कलेक्टर साहब कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे और यदि कार्यवाही नहीं होती है तो हम रीवा जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, इंजीनियर जयवीर सिंह जिला पंचायत के वरिष्ठ सदस्य हैं, प्रीतम सिंह जी जिला पंचायत के सदस्य हैं, अशोक सिंह जी जिला पंचायत के सदस्य हैं और ब्रजेश सिंह जी जिला पंचायत के सदस्य हैं। आज हम लोगों के समीक्षा बैठक थी, इसके बाद हम लोगों ने अपनी बात को रखा, जिला पंचायत में जो भी क्षेत्र के विकास, क्षेत्र की प्रगति और क्षेत्र के मुद्दों को अपनी बातें रखी और इसके पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष अभय मिश्रा जी ने 4 करोड़ रुपए बसामन मामा एनीकट के लिए और 2 करोड़ रुपए कौवा धान के लिए 6 करोड़ रुपए ले गए थे, उसके लिए हमने विरोध दर्ज किया और इसके 7-8 दिन पहले हम जिला पंचायत सीओ को इसके लिए पत्र भी लिखे थे, सीओ ने कार्रवाई करने का, जब इस बात पे बात होने लगी कि सभी जिला पंचायत सदस्यों को समानुपातिक ढंग से बांटा जाए तो अभय मिश्रा जी ने बोला कि जिला पंचायत के सदस्य हमारे 17 हाथ उठाए हैं और हम उन्होंने हमारी बहुमत है, हम जहां चाहें वहां ले जाएं, तो हमने जिला पंचायत, इसके बाद अध्यक्ष ने बोला कि हमारे ये सब खरीदे सदस्य हैं और इन सदस्य ने हमारी बहुमत है तो हमने कहा वोट तो हमने भी वोट सुनिए तो हमने भी दिया है, राजेंद्र शुक्ला जी के कहने पे अध्यक्ष जी आपको हमने भी वोट दिया है तो हमने जनता को और जनता के विश्वास को यदि नहीं बेचा है हम लोगों ने तो हम लोगों को अपने क्षेत्र में देना चाहिए और नैतिक रूप से हम लोग भी अपने क्षेत्र से चुने गए हैं, लोगों की आशा और आकांक्षाओं को